हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताएंगे ब्लाउज की कटोरी बड़ी करना। तो सबसे पहले जो छोटी कटोरी है इसको हम फोल्ड कर लेंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए साइड में से। आगे की साइड से हम हाफ इंच छोड़ेंगे, वहाँ पे हम निशान लगा देंगे और बीच में जहाँ से हमने कटोरी फोल्ड की है वहाँ पे हम कट लगा देंगे। तो सेम अब दूसरे पेपर पे रख के बड़ी करेंगे। जहाँ हमने कट लगाया है वहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब एक आड़ी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो गाइस, इस फॉर्मूला से हम कोई भी साइज की कटोरी बड़ी कर सकते हैं। यहाँ से हमें कटोरी को पेस्ट करना है, पहले तो दूसरे पेपर पे छोटी कटोरी को पेस्ट करना है, उसके बाद बड़ी करेंगे। गाइस ध्यान से देखना तो हम किस टाइप से बड़ी करेंगे। बहुत ही इजी मेथड है मेरी। अब यहाँ साइड से हम 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, इधर भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से 2 इंच पे। अभी डॉट्स को हम डॉट्स पे यानी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम गले की साइड से 5 इंच जितना, आधे में से आधा हम इसको आगे निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाता है, और नीचे 1.5 इंच है उस पर जाके हम जॉइंट कर देंगे। इसी तरह से इधर हम थोड़ा ऊपर की तरफ निकालेंगे और यहाँ से भी सिलाई के लिए छोड़ते हुए थोड़ा, और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। नीचे से जो 1.5 इंच पे मार्क किया है इससे ऊपर के ऊपर की साइड राउंड शेप दे देंगे, और यहाँ से हम 2 इंच पे जो मार्क किया है उसमें जॉइंट कर देंगे। तो गाइस, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आई होप सो कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। जब नेस्टा की जो लाइन ड्रॉ करी है उस पर हम कट कर देंगे। ये कटोरी हमारी रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।